न्यूयॉर्क किस गांव में ठहरी टीम इंडिया, शुरू की T20 वर्ल्ड कप की तैयारी। T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया ने की ऐसी प्रैक्टिस, टेंशन में सभी टीमें। रोहित सेना की ऐसी खुफिया तैयारी देख दूसरी टीमों के अभी से छूट रहे पसीने। IPL 2024 खत्म हो चुका है, अलग अलग फ्रेंचाइजी के लिए दम भी दिखाया जा चुका है। अब बारी टीम इंडिया के लिए एक साथ मिलकर पूरा जोर लगाने की है, क्योंकि वक्त है T20 वर्ल्ड कप 2024 का। अमेरिका और वेस्टइंडीज में 2 जून से शुरू हो रहे टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया अमेरिका पहुंच चुकी है और पहुंचते ही बिना ज्यादा वक्त लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। न्यूयॉर्क में अपने ग्रुप राउंड के मुकाबले खेलने वाली टीम इंडिया ने इसी शहर को बेस बनाया है और मिशन मोड में लग गई है। रोहित शर्मा की कप्तानी भारतीय टीम 2 अलग अलग मैच में न्यूयॉर्क पहुंची, जिनमें मेन स्क्वाड के अलावा रिजर्व खिलाड़ी भी शामिल हैं। सिर्फ स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अभी तक टीम के साथ नहीं जुड़े, लेकिन उपकप्तान हार्दिक पांड्या जरूर न्यूयॉर्क में टीम इंडिया के साथ शामिल हो चुके हैं और तैयारी भी शुरू कर चुके हैं। टीम इंडिया ने मंगलवार 28 मई को तैयारी की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। करीब 2 महीने तक बेहद व्यस्त कार्यक्रम में IPL खेलने और फिर मुंबई से न्यूयॉर्क तक का लंबा सफर तय करने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने 1-2 दिन का आराम किया, फिर खुद को न्यूयॉर्क के मौसम में ढालने के लिए हल्की ट्रेनिंग के साथ तैयारियों को आगाज किया। भारतीय टीम ने ट्रेनर्स की निगरानी में पहले दिन हल्की रनिंग और एक्सरसाइज के जरिए खुद को वार्म अप किया और फिर आपस में फुटबॉल खेलकर फिटनेस परखने के अलावा खुद को तरोताजा करने पर भी काम किया। पहले दिन भारतीय टीम ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग प्रैक्टिस नहीं की, ये प्रैक्टिस दूसरे दिन से शुरू होने की उम्मीद है। T20 वर्ल्ड कप के लिए न्यूयॉर्क में होने वाले मुकाबले इसी शहर के नासो काउंटी में तैयार किए गए स्टेडियम में खेले जाने हैं। टीम इंडिया का ग्रुप स्टेज के अपने 4 में से 3 मुकाबले यहीं खेलने हैं। ऐसे में भारतीय टीम ने शुरू से ही वेन्यू के पास ही अपना ठिकाना बनाया है। भारतीय टीम नासो काउंटी के एक बड़े गांव गार्डन सिटी में रुकी है। वैसे तो ये गांव किसी छोटे कस्बे से कम नहीं है, इसकी जनसंख्या 23,000 से ज्यादा है। यहां से स्टेडियम भी कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। T20 वर्ल्ड कप का आगाज 2 जून से हो रहा है। टीम इंडिया ने 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ अपने उद्घाटन मैच से पहले न्यूयॉर्क में ट्रेनिंग शुरू कर दी। वेस्टइंडीज और अमेरिका की मेजबानी में खेले जाने वाले इस वर्ल्ड कप का फाइनल 29 जून को खेला जाएगा। मैन इन ब्लू की टीम अपना एकमात्र वार्म अप मैच 1 जून को न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट में बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। वहीं नताशा से अनबन की खबरों के चलते टीम इंडिया के उपकप्तान हार्दिक पांड्या भी न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और हार्दिक ने इंस्टाग्राम पर अपनी वार्म अप की तस्वीरें साझा की हैं। बुमराह द्वारा शेयर गए पोस्ट में खुद बुमराह, तेज गेंदबाज हर्षदीप सिंह, ऑलराउंडर अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे और T20 में नंबर 1 बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव दिखाई दे रहे हैं। हार्दिक द्वारा शेयर किए गए पोस्ट में हार्दिक के अलावा शुभमन गिल, शिवम दुबे, राहुल द्रविड़ और अक्षर पटेल नजर आ रहे हैं। बुमराह और हार्दिक दोनों का फॉर्म यह तय करेगा कि मैन इन ब्लू अपने अभियान में कितना आगे जाएंगे। चोट की वजह से 2022 T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाले बुमराह भारत के लिए बेहद अहम होंगे। वहीं हार्दिक का फॉर्म टीम इंडिया के लिए जरूर चिंता का विषय है। वो IPL में ना तो बल्लेबाजी और ना ही गेंदबाजी में कुछ कमाल दिखा पाए थे। 13 पारियों में हार्दिक ने केवल 216 ही रन बनाए, इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 143 का रहा था। वहीं गेंदबाजी में वो 11 विकेट ले पाए थे, 31 रन देकर 3 विकेट उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी रही थी। हालांकि भारत के चिंता की बात यह है कि विराट कोहली अब भी मुंबई में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मंगलवार को मुंबई के रेस्टोरेंट के बाहर पत्नी अनुष्का शर्मा और स्पोर्ट्स प्रेजेंटेटर गौरव कपूर के साथ दिखाई पड़े। उनके साथ जहीर खान भी दिखाई दी। यानी कोहली अब तक न्यूयॉर्क के लिए रवाना नहीं हुए। IPL में उनकी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के एलिमिनेटर में बाहर होने के बावजूद कोहली 25 जून को पहले बैच के साथ न्यूयॉर्क के लिए रवाना नहीं हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो गुरुवार को रवाना हो सकते हैं। हालांकि वो बांग्लादेश के खिलाफ अपना अभ्यास मैच खेलेंगे या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।